देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीन के जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी इजरायली फोर्सेस के साथ झड़प की खबर है बॉर्डर एरिया में। ये वेस्ट बैंक से सटा हुआ जो एरिया है इजरायल का, वहां पर बैतल एक जगह है जो कि रमाला से बहुत नजदीक है, वहां पर ये झड़प की खबर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक की तरफ से जो बैतल का एरिया है वहां पर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी और इजरायली फोर्सेस के बीच इस वक्त झड़प की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि जो ये पूरा युद्ध चल रहा है वक्त गाजा पट्टी के तरफ ही इजराइल का हमला है, वेस्ट बैंक की तरफ इजराइल हमला नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमास और इजराइल की इस जंग में ईरान अभी तक शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ईरान लगातार भड़काऊ बयान देकर इस जंग को और ज्यादा भड़काने में जुटा हुआ है। दरअसल गाजा पट्टी के अस्पताल में हुए हमले के बाद ईरान और ज्यादा भड़क गया है। ईरान ने कहा है कि अब समय आ चुका है। ईरान के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या ईरान यहां से विश्व युद्ध का ऐलान कर रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। हाथों में फिलिस्तीन और ईरान का झंडा है और कुछ लोग इसराइल के झंडे को आग लगा रहे हैं। ईरान के लोगों का यह गुस्सा इसराइल के खिलाफ है। मंगलवार को गाजा के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट हमले के खिलाफ ईरान के लोग सड़क पर विरोध जताने के लिए उतरे। राजधानी तेहरान में फ्रांस और ब्रिटेन के दूतावास के बाहर सैकड़ों ईरानी नागरिक इसराइल के विरोध में इकट्ठे हुए। युद्ध हमास और इसराइल के बीच हो रहा है, लेकिन केंद्र में है ईरान। ईरान इस युद्ध को मजहबी लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को मजहब के नाम पर उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। ईरान के ये तीन बड़े और ताकतवर नेता लगातार उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। जब से इसराइल हमास जंग शुरू हुई है, इनकी जुबान से शांति राग नहीं बल्कि भड़काऊ बयान ही निकले हैं। सबसे ताजा बयान आया है ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान का, जिसने कहा है कि अब समय आ गया है और ईरान भी युद्ध के मैदान में कूदने को तैयार है। अब्दुल्लाहियान पहले भी इसराइल से जम की धमकी दे चुके हैं। वहीं ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमेनेई ने ईरान और हमास की जंग को मजहब से जोड़ दिया है। खमेनेई ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी बड़ी ताकत है, जो खमेनेई ने कहा ईरान में वो पत्थर की लकीर है। खमेनेई वो शख्स है जिन्होंने हमास के आतंकी हमलों के तुरंत बाद कहा था, जिन लोगों ने यहूदी शासन पर हमले की योजना बनाई हम उनके हाथ चूमते हैं। इससे पहले ईरान पर हमास के आतंकी हमले के प्लानिंग में शामिल होने का भी आरोप लग चुका है। वहीं ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला भी इसराइल को निशाना बना रहा है। लेबनान से लगातार इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। हिजबुल्ला के हमले में इसराइल के कई सैनिक घायल हो चुके हैं, जबकि एक नागरिक की जान भी जा चुकी है। मतलब इसराइल एक तरफ हमास से युद्ध लड़ रहा है और दूसरी ओर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी मुकाबला कर रहा है। इसराइल लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमास और लेबनान पर जवाबी कार्रवाई के कारण ईरान और ज्यादा भड़का हुआ है और इसीलिए अब मजहब के नाम पर मुस्लिम देशों को उकसाने का प्रयास कर रहा है। पहले आतंकी हमले को ईरान जायज ठहरा रहा था और अब जब इसराइल गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है तो धर्म के नाम पर मुस्लिम देशों को युद्ध में कूदने की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। अगर ईरान इस युद्ध में शामिल होता है तो यकीनी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि महाविनाश की नई कहानियां सामने आएंगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तेल अवीव, इजराइल। जी